सबे पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है, तो अलग अलग लोगों ने अपने मंतव्य दिए। कईयों ने कहा बाहुबल और हथियार, तो कईयों ने कहा दिमाग, और कई लोगों का मानना था प्यार। लेकिन इन सभी से परे एक और चीज है, और उसको कहा जाता है मैजिक। बस की हमारी कहानी शुरू होती है एक विजार्ड से, जिसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बुरी शक्तियों को आमंत्रित किया। बुरी शक्तियों को रोकने के लिए राज्य तांत्रिक ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया। सारे लोगों को दूसरी जगह पर भेज के उसने अकेले ही इनका सामना किया, लेकिन बुरी शक्तियों के सामने वो टिक नहीं पाए और अपनी जान को गवा बैठे। तो आगे क्या हुआ उसको जानने से पहले वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। वीडियो का एम है एक लाइक, और मुझे पता है आप इसे पूरा कर सकते हो। तो राज्य तांत्रिक की मदद से मैं टेलीपोर्ट हो गया एक नए शहर, एक नए गांव के बदले जंगल के बीचों बीच भी बैलगाड़ी जैसे घर में। तो मैंने बाहर जाके देखा तो यहाँ पर कई सारे स्केलेटन मेरे घर के पास में ही मरे हुए थे, और मुझे इनका सामान फ्री में मिल गया। और आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट के रूल नंबर 1 के अनुसार फ्री की लूट को छोड़ना पाप है। लूट को लूट के मैंने अपने स्पॉनिंग पॉइंट के आसपास एक्सप्लोर किया, तो मेरे सामने था एक बड़ा सा पारदर्शी आइस मेटल टावर। इसे मैं आगे जाके लूटूंगा। मैंने घर के अंदर की चीजों को चेक किया, जिसमें चेस्ट के अंदर था मेंडिंग की एंसेंटिंग वाला शोवल और थोड़ा बहुत खाना। एंड यार, राज्य तांत्रिक ने मुझे लेदर का आर्मर और एक सोर्ड भेंट के तौर पे दिया था। आगे मैंने यहाँ के नए फ्रूट को खाया, और इसको खाकर मुझे ग्लोइंग का इफेक्ट मिल रहा था, और जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं सच में चमक रहा था। लिटरली यहाँ की हर एक चीजों में मैजिक भरा पड़ा है। तो मेरी इन्वेंटरी के अंदर एक और चीज थी, जिसका नाम था विजार्ड्स हैंडबुक, और इसके अंदर नोवाइस लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का विजार्ड बनने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इस पुस्तक या तुच्छ ज्ञान को साइड पे रखते हुए मैंने माइनक्राफ्ट के रीति रिवाज को निभाया, और सबसे पहले पेड़ को काटा। उसके बाद मैंने यहाँ के नए कंदमूल को उखाड़ा, और जब मैंने इसकी रेसिपीज को देखा तो इसके अंदर मास्टर शेफ की रेसिपीज से भी ज्यादा रेसिपी खुल गई। आगे मुझे फ्लावर यानी कि मैजिक क्रिस्टल मिला, और एज अ विजार्ड शुरुआत से लेकर अंत तक ये फ्लावर हमारे लिए सब कुछ है। उसके बाद घूमते हुए मुझे एक बड़ी सी रिविन दिखी, और मैं इसके अंदर नुबड़ी की तरह घुसा। रिविन के अंदर क्रिस्टल जैसी आइटम थी, और जब मैं उनके पास गया तो ये सच में क्रिस्टल निकले। लेकिन इनका कोई खास काम नहीं था, तो मैंने इनको साइड पे रख के इनको माइन किया। तो वीडियो को रोक के बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। तो आज के हमारे स्पॉन्सर है एडिक्स। एडिक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप अपने दोस्तों को रिफर करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। एडिक्स में आप कई सारे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उससे आप कई सारे पैसे कमा सकते हो। इसमें लॉगिन करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर या फिर ईमेल डालना है, और उस पे आएगा वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको सेट करना है पासवर्ड, और उसके बाद आएगा इन्वाइटर कोड। मेरा इन्वाइटर कोड ए रहा, आप सिर्फ और सिर्फ इसको ही डालोगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेयर आएगा, जहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वेल्थ के ऑप्शन में आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट प्लान देखने को मिलेंगे, जिसमें आप 10 USDT से लेकर 15,000 USDT इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, जितना बड़ा दाम होगा उतनी ही बड़ी इनकम होगी। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ 200 USDT, वो भी 10 दिन के प्लान पे, और 10 दिन के बाद इसकी इनकम होगी 16 USDT यानी कि $16। तो 10 दिन हो गई है, और आप देख सकते हो मेरे सारे प्लान खत्म हो गई है, और मेरी इनकम भी मेरे अकाउंट के अंदर आ गई है। तो अब बात कर लेते हैं विड्रोवल की। तो पैसों को विड्रो करना बहुत ही आसान है। आपको अकाउंट के अंदर जाकर विड्रो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको डालना होगा कोई भी वॉलेट लिंक। मैं आपको रेकमेंड करूंगा बाइनेंस। उसके बाद आपको डालना होगा अमाउंट एंड डन। 30 मिनट के अंदर आपके पैसे आपके खाते के अंदर हो गए। तो वेट किस बात का, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। साके एडिक्स को डाउनलोड करो, और अपने दोस्तों को भी रिफर करो, ताकि आपके दोस्त उनके दोस्तों को, उनके दोस्त उनके भी दोस्तों को सेंड करे, और उन सभी का प्रॉफिट आप कमा सको। तो घर पहुंचते ही मैंने आयन को स्मेल्ट होने के लिए रखा, और दुनिया भर का वेट करने के बाद मैंने अपने आप को फाइनली आयन के अंदर नहला दिया। अगले दिन मैं अपने साथ बेड, क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस को लेकर निकल पड़ा एक बड़े से और लंबे से एडवेंचर के अंदर। और मेरे इस शुभ काम के अंदर नारियल के तौर पे एक फायर ज़ॉम्बी प्रकट हो गया, और मैंने इसको खुशी खुशी फोड़ा। तो ज़ॉम्बी को मार के मुझे एक नोवाइस लेवल की स्पेल बुक मिली, यानी कि अब मैं जादू को यूज कर सकता हूँ। लेकिन डराने वाली बात तो ये थी कि इस वर्ल्ड के अंदर काले जादू को जगाने के बाद सारे मॉब्स अपने आप में ही अपग्रेड हो गए थे। आगे मैं जाता हूँ बैटल टावर के पास, इस विश्वास से कि मैं टावर को बड़े ही आसानी से टेक डाउन कर लूंगा। लेकिन टावर
डोर में घुसते ही एक दो तीन बार मकड़े ने काट के मेरी बजा दी भिन। तो बेटल टावर को फिलहाल अपने हाल पे छोड़ के मैं आगे बढ़ा और आगे मुझे मिला एक विजार्ड टावर। तो टावर के ऊपर चढ़ते ही मुझे डेविल विजार्ड मिला, जिसने मुझे देखते ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वो तो लकीली सही वक्त पे मैंने अपने आप को डोज कर लिया और इसका एक भी स्पेल मुझे लगे उससे पहले मैंने इसको मार दिया। आगे मैंने विजार्ड की लूट को चेक किया तो इसके अंदर थी पायरोमेंसरेट, मास्टर लेवल स्पेल बुक, नोवाइस लेवल स्पेल बुक और कई सारे स्पेल स्क्रोल्स। तो लूट को लूट के मैंने आर्कने वर्क बेंच को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि इसके बिना मैं विजार्ड वाले काम नहीं कर सकता। तो थोड़ा आगे चलते ही मुझे एक मैजिकल स्ट्रक्चर दिखा और इसके अंदर एक स्पोनर था जिसमें से एक गोला उड़ रहा था और पता नहीं क्यों एक गोला मेरे ऊपर अटैक भी कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने स्पोनर तोड़ा, देन गोले को मरोड़ा मारा और उसके बाद मैंने यहाँ की लूट को लूटा। लूट के अंदर एक नोवाइस स्पेल बुक थी और दो मैजिकल बॉम्ब थे जिनको मैंने कभी भी यूज में नहीं लिया। तो बर्फ में चलते चलते मुझे भूख लग गई और तभी मेरे कानों में आती है एक प्यारी आवाज। फिर क्या, मैंने इस प्यारी आवाज को और सुना। तो आगे एक और विजार्ड टावर को ढूंढ के मैंने सबसे पहले खाना और डकार खाया और उसके बाद मैं गया टावर के ऊपर। लकीली यहाँ पे रहने वाला विजार्ड कोई इविल विजार्ड नहीं था, बल्कि अच्छे वाला विजार्ड था और साथ ही में ये मुझे बढ़िया बढ़िया ट्रेड भी दे रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गोल्ड या फिर एमरल्ड दोनों ही नहीं थे। तो अगले दिन मैं निकल पड़ा गोल्ड की तलाश में और गोल्ड को ढूंढते हुए मुझे एक प्यारी सी कुत्तों की टोली दिखी। मैंने एक कुत्ते को टेम किया, उसके बाद दूसरे पे ट्राई किया तो थोड़ा सख्त निकला और रही बात यहाँ के पिक की, तो मैंने इनके साथ आगे मैंने एक बोर्ड बनाई और उसके ऊपर बैठकर मैंने और मेरे डॉगी ने टोक्यो ड्रिफ्टिंग की। तो टाइम को बहुत सारा पास करने के बाद मैं फाइनली गया माइनिंग पे और यहाँ पर प्रवेश करते ही मेरे दर्शन होते हैं लाइटनिंग क्रीपर से। आप सोच सकते हो आम क्रीपर को देखकर मेरी इतनी ज्यादा फटती है तो इसको देखकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। लेकिन फिर भी मैंने स्मार्ट वर्क यूज करके इस क्रीपर को जैसे तैसे मार दिया। आगे क्यों को एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक डंजन दिखा और इसके अंदर से दुनिया भर के मकड़ों के आवाज आ रहे थे। मैंने वापस से अपने स्मार्ट वर्क को यूज किया और यहाँ से कल्टी मार ली। तो गोल्ड को मैंने स्मेल्ट किया, उसका नगेट बनाया और उसे स्टिक एंड मैजिक क्रिस्टल के साथ कॉम्बाइन करके फाइनली बना लिया मैजिक वॉन्ड। तो बेसिकली अब ये वॉन्ड नोवाइस लेवल का है और जैसे जैसे मैं इसको यूज करता जाऊंगा वैसे वैसे ये अप्रेंटाइस, मास्टर और एडवांस लेवल के अंदर अपडेट होता जाएगा। एनीवे अभी वक्त है हमारे विजार्ड बनने की खुशी मनाने का। ओके, तो वॉन्ड बनने के बाद अब हमें इसको आर्कने वर्क बेंच के अंदर चार्ज करना पड़ेगा और इसी से ही हम वॉन्ड के अंदर स्पेल को ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक ही स्पेल है जो कि हर एक विजार्ड को स्कॉलरशिप यानी कि शिष्यवृत्ति के तौर पे मिलता है और इसका नाम है मैजिक मिसाइल। लेकिन जो भी कहो, स्पेल कास्ट करने के एनिमेशन और इनके कलर्स बहुत ही ओपी है। आगे मैं गया पिछले वाले डंजन पे और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एनीवे मैंने अपने काम पे ध्यान दिया और जैसे ही डंजन के अंदर घुसा वैसे ही मेरे ऊपर बड़े छोटे दिमाग वाले बिना दिमाग के जहर वाले बिना जहर के फटने वाले फटाने वाले सारे मकड़ों ने अटैक कर दिया। लेकिन लगता है आप एक बात भूल रहे हैं, हम दम कम नम मेरा मतलब हम में दम की कमी नहीं। मैंने भी मकड़ों को जादू का यूज करके धूल चढ़ा दी। यहाँ पर कई सारी चेस्ट भी थी और इनके अंदर रिकॉल पोशन, कई सारे स्क्रोल, स्टोन ऑफ आर्केन जो कि हमारी वॉन्ड को अप्रेंटाइस लेवल के अंदर अपडेट करने में मदद करेगा, गोल्ड और एक मैजिकल बोबल जिसको पहन के मैं लगभग मर ही गया था और ऐसा क्यों है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो माइन से वापस आकर मैं आसपास देख रहा था और पता नहीं क्यों इस बात से एंडरमैन को बुरा लग गया। इसने मुझे बहुत ही बुरे वाली डैमेज दी, वो तो लकीली मेरे साथ मेरा डॉगी था और इसीलिए मैं आधे हट पे बस गया। लिटरली कल के लोगों को देखने से भी बुरा लग जाता है। एनीवे तो आगे मैं उस घर के पास गया जिसको मैं देख रहा था और इसके फ्लोर के नीचे एक स्पोनर लगा हुआ था। स्पोनर तोड़ के मैंने ऊपर देखा तो मेरे ऊपर मॉब का भंडारा था। मैंने मॉब को मारा, उन्होंने मुझे मारा, लेकिन वीडियो का हीरो होने के नाते इस फाइट के अंदर मेरी जीत हुई। तो फाइट पूरी होते ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास आधे ही हट बसे है और जैसे जैसे मुझे डैमेज पड़ रही थी वैसे वैसे मेरे और भी हट कम हो रहे थे। एक पल तो ऐसा आया कि मेरे पास एक ही हट बसा, मैं तुरंत ही सो गया और अगले दिन उठते ही मेरी हेल्थ वापस से ठीक हो गई। तो ऐसा होने का एक ही कारण था जो कि था मैंने पहना हुआ बोबल। मैंने इसको निकाला और आगे की ओर चल पड़ा। तो कई घंटों के बाद मैं जा पहुंचता हूँ एक गांव में और यहाँ पर पोकेमोन जैसे दिखने वाले प्राणी थे। ये बात छोड़ो, गांव के अंदर जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि इस गांव के अंदर भी मैजिक का असर हो चुका है। यहाँ पर एमलेट के गोलम थे और मैं इस गोलम को पहली बार देख रहा था। गाइस कमेंट में बताओ आपने देखा हुआ आज तक का सबसे
अजीब गोलम कौन सा था। और कमेंट करने के लिए जाहिर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी मार देना। तो गांव में कमरा बुक करने के बाद मैंने मैजिक क्रिस्टल को इकट्ठा किया, उसके बाद अपनी वॉन्ड के अंदर नए स्पेल को एड किया और सर पड़ा उनको ट्राई करने के लिए। पहले स्पेल को ट्राई करते ही मेरे ऊपर आग लग गई और इसको आप स्पेल का साइड इफेक्ट कह सकते हो। मित्रों, आपका एक और बार स्वागत है बकेट हेड की पाठशाला में। मैजिक स्पेल, तो मैजिक स्पेल को आप तीन तरह से यूज कर सकते हो, सिजो पे, मोप पे और अपने आप पे। फॉर एग्जाम्पल, हीलिंग का स्पेल है अपने आप पे यूज करने का, और अगर आप उसको मोप के ऊपर यूज करोगे तो आपको मिलेगा साइड इफेक्ट। तो आज की क्लास बस आज तक, होमवर्क में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे मैंने फिर से स्पेल को जमीन पे यूज किया एंड फाइनली स्पेल अनलॉक हो गया। नया स्पेल था इग्नाइट स्पेल। इसके बाद मैंने एक और स्पेल को गलत तरीके से यूज कर दिया और इसके साइड इफेक्ट से मुझे मिला नशा। तो दूसरा स्पेल था समोन ज़ोंबी, जो कि हमारे लिए एक ज़ोंबी कंपेनियन स्पॉन करता है। स्पेल की टेस्टिंग के बाद मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया और इग्नाइट स्पेल को खाने के सोर्स की तरह यूज किया, और मेरे इस जुगाड़ का रिजल्ट आपके सामने है, पका हुआ चिकन डिनर। आगे पहाड़ के रूम में वापस आकर मैंने बेसिक बैकपैक क्राफ्ट किया और उसे लगे हाथों आयरन में से गोल्ड के अंदर अपडेट कर दिया। तो इसी के साथ अब मेरे पास लूटिंग के लिए, एक्सप्लोरिंग के लिए और सारी चीजों को रखने के लिए चलती फिरती सेस्ट हो गई है। इसके बाद मैंने बुक ऑफ स्किल क्राफ्ट की और इस बुक ने मेरी पूरे एडवेंचर के अंदर बहुत ही मदद की। सो बेसिकली इस बुक की मदद से मैं अपने स्किल्स यानी की हेल्थ, पावर, प्रोटेक्शन, फॉल डाउन, जंप वगैरह वगैरह को बढ़ा सकता हूँ, वो भी एक्सपी के बदले में। तो पहले मैंने एक भूल कर दी, मैंने अपने ज्यादातर स्किल पॉइंट पीवीपी प्रोटेक्शन में लगा दिए, जो कि मेरे कोई भी काम में नहीं आया। फिर मैंने अपने थोड़े पॉइंट सॉफ्टर लैंडिंग यानी कि फॉल डैमेज घटाने वाले स्किल में भी ऐड किए, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही मस्त था। और बाकी बसे पॉइंट को मैंने स्ट्रॉन्ग फिस्ट और अटैक स्पीड को बढ़ाने वाले स्किल में ऐड किए। इसके बाद मैंने फाइनली बैटल टावर को टेक डाउन करने का डिसाइड किया। मैं आसानी से सारे मॉब को मार रहा था, लेकिन यहाँ के स्पाइडर्स बहुत ही खतरनाक थे, मुझे बार बार पॉइजन का इफेक्ट दे रहे थे। तो ऐसे ही मकड़े को मारते हुए मुझे एक बॉबल मिला, जो कि मेरी सारी परेशानी हटाने वाला था। लेकिन लगभग पौने टावर को क्लियर करने के बाद मेरा ध्यान इस बॉबल के ऊपर गया। तो ये बॉबल मुझे इम्यूनिटी ग्रांट कर रहा था, वो भी पॉइजन से, यानी कि अब मुझे स्पाइडर से कोई भी डर नहीं। तो मकड़ों को बिंदास मारते हुए मैं टावर के टॉप पे पहुंचा और यहाँ पर पहुंचते ही होता है बूम। सबसे पहले मैंने बैटल टावर को मैजिक से बहुत सारा धोया और उसके बाद मुझे लगा कि इसको ऐसे मारना नाइंसाफी होगी, इसीलिए मैंने इसके साथ फेस ऑन फेस फाइट करने का डिसाइड किया, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा जल गया। और तभी मुझे एक और बात याद आई कि प्यार, जंग और एग्जाम में सब कुछ जायज है। मैंने गोलम को फंसा के मार दिया और इसको मार कर मुझे मिले सेफ डायमंड्स। आगे बिन दिवाली के पटाखे का आनंद लेते हुए मैंने अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। तो जब मैं अपने घर गया तो मेरे घर के अंदर पूरा गाँव बसा हुआ था। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अकेले बैटल टावर को तोड़ दिया। आगे मैंने कई दिनों तक खेत के अंदर काम किया और फार्मर विलेजर के साथ ट्रेडिंग की। ठीक ठाक एमलेट होने के बाद मैं वापस से निकल पड़ा अपने सफर पे। समय समय पर मैं अपने स्किल को भी बढ़ाता जा रहा था और इसी वजह से अब मैं दो ब्लॉक तक जंप लगा सकता था। तो नए वीजा टावर को ढूंढ कर मैंने उनसे टेलीकिनेसिस की बुक को ट्रेड किया, और ये स्पेल कोई खास स्पेल नहीं था, मैं बस दूर की चीजों को बिना हाथ लगाए आसानी से ले सकता था। तो ऐसे ही नए बैटल टावर की तलाश में घूमते घूमते मुझे एक हिलर बैटल मेज मिला, जो कि थोड़ा गुस्से में था। लकीली ये फंसा हुआ था, तो मैंने इसे भी बड़े ही आराम से मार दिया। और फिर मैंने इसकी लूट को चेक किया तो इसके अंदर था वॉन्ड अट्यूनमेंट अपग्रेड, जो कि मेरी स्पेल की कैपेसिटी को बढ़ा सकता था, यानी कि अब मैं अपने वॉन्ड के अंदर 5 के बदले 6 स्पेल यूज कर सकता था। बाकी बसी लूट में इसमें थी अप्रेंटाइज और एडवांस स्पेल बुक। थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरा ध्यान जाता है इस बड़े से हड्डी के ढांचे के ऊपर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये ढांचा इतना बड़ा था कि मैं इसको पूरा माइन करने के बदले आधे में ही छोड़ के वापस आ गया। तो ऐसे ही कई दिनों तक मैं घूमता रहा। मैंने कई सारे स्पेल को ट्रेड किया और उनको नए नए मॉब के ऊपर ट्राई भी किया, और ऊपर से मेरी स्किल बुक के अंदर एक्स्ट्रा हेल्थ का भी ऑप्शन आ गया, यानी कि अब मैं अपनी हेल्थ को भी बढ़ा सकता था। तो मैं जहाँ पर रह रहा था, इसके पास में एक विजा रूइन था और इसके अंदर से मुझे ठीक ठाक लूट भी मिल गई। यहाँ से मुझे दो नए स्पेल भी मिले, जिनमें से पहला
स्पेल था फायर बॉल और दूसरा स्पेल था आइस स्टेचू। आगे मैंने अपने स्किल पॉइंट बढ़ाने के लिए एक आइडिया यूज किया और पास में आए हुए बैटल टावर को सस्ते एक्सपी फार्म के अंदर बदल दिया। ये प्लेन बहुत ही मस्त काम करा और थैंकफुली मेरे पास फायर बॉल स्पेल था जिससे मैं मल्टीपल टारगेट को मार के मल्टीपल एक्सपी कलेक्ट कर पा रहा था। आगे एक्सप्लोर करते हुए मैं जा पहुंचता हूँ एक बड़ी शिप के पास और इसके पास में ही एक योद्धा के सर के जैसा बिल्ड था। मैं इसके अंदर गया तो यहाँ पर एक चेस्ट थी और इसके अंदर था बहुत ही बढ़िया माल पानी। इसके अंदर थे कई सारे डायमंड्स, मैजिकल बॉबल और विजार्ड के कपड़े। आगे जब मैं शिप के पास गया तो यहाँ पर मुझे दिखा एक तोता। तो हमारा टेम किया हुआ डॉगी कहीं पे खो गया है, इसलिए मैंने इस तोता राम को टेम करने का डिसाइड किया। वैसे भी मेरे सारे टेम किए हुए एनिमल्स वीडियो खत्म होने से पहले ही मर जाते हैं। देखते हैं हमारे तोता राम सर्वाइव कर पाते हैं या फिर नहीं। तो अब फाइनली वक्त आ गया था इस बड़ी सी शिप को लूटने का। मैं सुपके सुपके इस शिप के अंदर घुसा, लेकिन इस काम के अंदर मेरा पर्दा फाश हो गया और मुझे ना साते हुए भी इनको मारना पड़ा। तो आगे मुझे एक रूम दिखती है जिसके अंदर बहुत सारे टीएनटी थे और फिर क्या, प्रेशर प्लेट पे पैर पड़ते ही सारे टीएनटी इग्नाइट हो गए और मेरे पीछे हुआ बहुत ही बड़ा बूम-बम। मैंने आधी शिप को ऐसे ही उड़ा दिया, बट कोई नहीं। आगे मैं सुन्नू मुन्नू को मारते मारते कैप्टन की रूम तक पहुंच गया और अब वक्त था सोलो वर्सेस सोलो की फाइट का। मैंने कैप्टन को मारना शुरू किया, लेकिन हमारे कैप्टन भी कोई कम नहीं थे क्योंकि ये थे यूपी से और इनके पास था कट्टा, वो भी गोल्ड का। लेकिन फिर भी मैंने इनको मारना शुरू रखा और फिर ये बन जाते हैं मिस्टर इंडिया। मैंने इनसे हार नहीं मानी, मैं मारता गया और फाइनली एक हट पे मैं इस मैच को जीता। तो इतनी बुरी जीत के बाद मैंने यहाँ की लूट को देखा तो मैं असंभवित हो गया क्योंकि इतनी बढ़िया लूट में कई सालों के बाद देख रहा था। आगे रात के वक्त तोताराम को लेकर मैं आगे बढ़ी रहा था, तभी मेरे ऊपर होता है एक अटैक। इंडिया काउंटर अटैक के अंदर मैंने तोताराम को मार दिया। तो सारी बातों को साइड पे रखते हुए मैंने अपनी प्रोटेक्शन बनाने का डिसाइड किया और चल पड़ा माइनिंग पे। मुझे यहाँ से मिले एमन लेड, गोल्ड, डायमंड और एक नया मॉब। माइनिंग से जब मैं बाहर आया तो मेरे ठीक सामने था एक बड़ा महल और गुजराती में एक कहावत है कि लक्ष्मी सांडलो करवा आवे तो मोढ़ू धोवा न जवाए। वैसे ही मैंने इस मौके का फायदा उठाया। महल में घुसते ही मेरे सामने आते हैं साउथ की मूवी की तरह साइड गुंडे। इन सभी को पेलते हुए मैं आगे बढ़ा और फाइनली पहुंच गया मेन गुंडे के पास। इसका नाम था जिराक्सिस और आई थिंक ये शक्तिमान का बहुत ही बड़ा फैन था। मैं इसको अपने मैजिक के साथ बहुत ही आसानी से मार सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको मजे लेते हुए मारा। तो मेन गुंडे को मार के मैंने एक ही काम किया जो कि था लूट को लूटना। एंड लकीली लक के साथ यहाँ की लूट भी बहुत ही ऑसम थी। इसके अंदर था वोंड मिली अपग्रेड, वोंड शिपोन अपग्रेड, एक शील्ड और एक बोबल जो कि मुझे 7% एक्स्ट्रा स्पीड दे रहा था। आगे नजारे का आनंद लेते हुए मैंने अपने सफर को कंटिन्यू रखा और फाइनली जा पहुंचा एक घर के पास जिसको मैं अपना कह सकता था। तो बेसिकली इसे आप घर नहीं बल्कि एक होटल या फिर सुवेनियर कह सकते हो, वो भी एडवेंचरर का। इसके अंदर ड्वर्फ, गोब्लिंस और एक बार टेंडर भी थी। फिर क्या, यहाँ के मोटे मालिक को मारकर मैं बन गया इस घर का नया मालिक। और एट द एंड मैंने और बार टेंडर ने खुशी खुशी पूरी जिंदगी दारू बेच के अपनी लाइफ स्पेंड की। काश मैं ऐसा कह पाता। अभी इसका पार्ट टू बाकी है और पार्ट टू के लिए आपको करना पड़ेगा वीडियो को लाइक। तो हम बहुत ही करीब है 2,00,000 सब्सक्राइबर्स के, इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो।